मेंटेन करना आप समझ ही सकते हो भाई, एक हाथी है ले लो, लेना तो आसान है पालना भारी है, ये सभी को पता है। मेरे 12 मॉडल है लगभग, मैंने चला सकूँ 11 साल हो गए और लगभग 30,000 चला सकूँ, उसके बाद मैं सीधा मेरा मन तो भूसा का है। और मार्केट में तो एकदम वैसे भी बाइक इतनी हीट हो जाती है आप कहने सोच नहीं सकते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग जो है एक ऑनरशिप ब्लॉग होने वाला है कावासाकी ZX10R पर। पीछे खड़ी हमारे पास हनीकॉम वेरिएंट, आज इसका पूरा एक ऑनरशिप रिव्यू लेंगे, क्या इस बाइक के प्रॉस हैं, चाहे क्या कॉन्स हैं, और हीटर क्लास में ये बाइक किस तरीके से परफॉर्म करती है, कितने की पड़ रही है, और क्या इसके ऑनरशिप रिव्यू हैं, और सारी बातें डिटेल में जानेंगे इस बाइक के ऑनर के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इसके सिनेमैटिक चेक करा देता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, सिनेमैटिक पसंद आ जाए तो कॉमेंट लीव कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग सिनेमैटिक के साथ में। सिनेमैटिक कैसे लगे कमेंट करके बता देना। यहाँ खड़ी हमारे पास कावासाकी ZX10R हनीकॉम वेरिएंट और इसी का हम ऑनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। और इसमें पड़ा है भाई SC का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, देख सकते हो एग्जॉस्ट नोट हम इसका लास्ट में सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बुला लेते हैं इस बाइक के ऑनर को और उनसे जानेंगे कि भाई ये बाइक चलने में कैसी है, 3 वाला लेटेस्ट वेरियंट है उसके मुकाबले ये वाली बाइक कैसा परफॉर्म करती है, और कितने की पड़ी है, क्या पड़ी है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्या इसकी सर्विसिंग कॉस्ट आती है, सारी चीज़ें हम जानेंगे सद्दाम भाई से, क्योंकि ये बाइक बिलोंग करती है भाई सद्दाम भाई को। उनके चैनल का लिंक भी आ रहा है यहाँ पर, आप जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आ जाओ भाई सद्दाम भाई, यहाँ वेट कर रहे हैं सद्दाम भाई फ्रेम में आने का। सो सद्दाम भाई, आप 10R ऑन करते हो, इसका अपना एक्सपीरियंस बताओ, अभी तक आपको कितना टाइम हो गया 10R लिए हुए? मुझे ऑलमोस्ट लगभग 2 साल हो चुके हैं इसे लिए हुए, और बाइक में मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं है, एक नंबर बाइक है चलने में, और मेंटेनेंस वगैरह सब एक नंबर है भाई, कोई कमी नहीं है। जो एडिशन है इसका वो बहुत ही प्यारा लगता है अपने टाइम का, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत रेयर है ये हनीकॉम, हर किसी को देखने नहीं मिलेगी आपको, बहुत रेयर मशीन है, बहुत रेयर एडिशन है जो हर किसी में नहीं मिलेगा, तो ये लिमिटेड ही है। बिल्कुल सही कहा भाई, हनीकॉम वेरिएंट जो है ना बिल्कुल लिमिटेड वेरिएंट था ये, और ये भाई ब्यूटीफुल लगता है, अभी लेटेस्ट वर्जन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी फिट एंड फिनिश की बात करेंगे, और जो अभी वाली वेरिएंट आ रहा है उसकी भी फिट एंड फिनिश की बात करेंगे। तो सद्दाम भाई आपसे जानते हैं कि आपने ये बाइक कितने की परचेज करी थी, ऑन रोड प्राइस आपको कितने का पड़ा था? 18 लाख रुपीज़ का आपको ऑन रोड प्राइस पड़ा था इसका। उसके बाद आपने इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करा दी है उसके बारे में? और मैंने कार्बन फाइबर रिंग्स लगवाए थे, okay. अगले फोर प्रोटेक्टर हैं, रेडियल गियर है, बात पता नौ, एक लोडिंग वाली बाइक होती है जो सुपर बैंक है, लोड करानी पड़ती है, वो सभी चीज़ें मैंने डलवा रखी है ऑलमोस्ट। तो मेन खर्चा क्या हुआ है इसमें लोडिंग में भाई? SC प्रोजेक्ट का फुल सिस्टम टाइप, सभी समझ सकते हैं कितना कॉस्टली बैठता है, एक्सपेंसिव होता है ये बहुत ज़्यादा यार। और इसी के साथ में भाई बाइक की फील आती है, एक सुपर बाइक की फील, लीटर क्लास बाइक की फील भाई एग्जॉस्ट से आती है। इसका एग्जॉस्ट नोट आपको लास्ट में सुनाएंगे वीडियो के। तो भाई सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई मेंटेन करना कितना आपके लिए मुश्किल है इस बाइक को? मेंटेन करना आप समझ ही सकते हो भाई, एक हाथी है ले लो, लेना तो आसान है पालना भारी है, ये सभी को पता है। जो इनका जो सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज होते हैं ना, एक तो सर्विस आपको परमानेंट करानी पड़ेगी, 2.5 से 3 हज़ार किलोमीटर पे करानी पड़ेगी, बाकी बहुत से लोग कराते हैं 4,000-5,000 पे, लेकिन नहीं, मेरा मानना है इंडियन रोड्स के हिसाब से आप 2.5 से 3 हज़ार पे करा लीजिए। बिल्कुल भाई, तो सर्विस कॉस्ट कितनी बैठती है लगभग इसकी? इसकी लगभग मान के चलो आप 9+ में लगभग 10 के करीब। और अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो कावासाकी की पार्ट्स अवेलेबिलिटी में क्या? सारे पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। तो भाई ये फायदा है कावासाकी की 10R लेने का लीटर क्लास में, कि भाई इस बाइक के पार्ट्स जो है ना, क्योंकि जो कावासाकी के सर्विस सेंटर है वो ऑल ओवर द इंडिया है, इसीलिए भाई आप जितनी भी सुपर क्लास बाइक देखते हैं, तो सुपर बाइक देखते हैं, उसमें कावासाकी को लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं। तो भाई अपना यूजर एक्सपीरियंस बताओ कि आपको चलाने के बाद आप कौन सी बाइक से शिफ्ट हुए थे इस बाइक पे? मेरे पास निंजा 250R थी और मैं 2012 से वही चला रहा था, तो कावासाकी का था मुझे जब से ट्रस्ट हो गया कि हाँ बाइक, बाकी में मशीन इनकी बहुत लाजवाब होती है चलाने में, एक नंबर। और सबसे मेन चीज़ इनके जो पार्ट्स होते हैं इतने बेहतरीन, मतलब आपको ये नहीं है कहीं भी आप लेके खड़े हो जाओगे ये दिक्कत आ गई है बाइक में, कुछ नहीं आएगी। मेरे 12 मॉडल है लगभग, मैंने चला सकूँ 11 साल हो गए और लगभग 30,000 चला सकूँ, उसके बाद मैं सीधा मेरा मन तो भूसा का था, लेकिन मैंने जो उसका रिव्यू देखा उन्होंने चलाने का, उसको मैंने फील किया कि यार जो उसके पार्ट्स हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैं, तो जब भी मैंने फिर 10R पे स्विच हुआ। तो भाई अगर बात करते हैं इसकी राइडिंग कंफर्ट की, तो इसकी राइडिंग पोजीशन कैसी है भाई भूसा के अकॉर्डिंग आप बताओ? भूसा के अकॉर्डिंग तो इसकी बहुत ज़्यादा लीन है। तो चलाने में कंफर्टेबल है या नहीं है? अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो मैं नहीं कहूँगा कि कंफर्ट है, लेकिन
ट्रैक में और हाईवे के एक नंबर है। अगर हम सिटी की बात करें तो क्या भाई ये हीटिंग इश्यूज क्या आते हैं भाई सिटी में? लीटर क्लास बाइक है, क्या इसका आपका एक्सपीरियंस है अभी तक का? हीटिंग इश्यूज तो अच्छे खासा आती है, कोई इनलाइन फोर है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा हीटिंग का इसमें इशू आता है। एकदम 100+ टेम्परेचर पहुंचने का तो हीट आनी आनी है बिल्कुल, ठीक है। और मार्केट में तो एकदम वैसे भी बाइक इतनी हीट हो जाती है आप कहने सोच नहीं सकते। बात करें अगर इसकी टूरिंग कैपेबिलिटी के लिए तो भाई आपने कितना टूर किया है इस पर और टूरिंग भाई किस तरीके से परफॉर्म करती है, यानी कि हाईवे पे आपको कैसा लगता है चलाने पर? हाईवे पे तो दिल करता है जितना लंबा हो हाईवे चलेगा सब चलेगा, लेकिन जहाँ तो भाई आपने उसकी टॉप स्पीड कितनी भगाई है? मैंने अब तक लगभग 260 के करीब। अबे साले बहुत है भाई, और टॉप स्पीड जाती कितनी है? ये 299 भाई, खत्म है भाई, ये तो एंड हो गया, एंड सारी चीज होगा। हाँ, एंड ही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो इतनी भाई स्पीड हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि इंडियन रोड्स ऐसी है ही नहीं कि आप जो लीटर क्लास बाइक को 299 लेके जाएं। ये भाई इसमें इतनी पावर है तो ये आराम से 299 जाती है, लेकिन जहां पर ये डिजाइन हुई है उन रोड्स के लिए 299 जाती है। इंडियन रोड्स पे तो बिल्कुल भी आप इस चीज को ट्राई ना करें, ये केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, देखो बात करने लायक तो नहीं है क्योंकि ये हमारे पास इनलाइन फोर सिलेंडर बाइक है, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे आपसे कि ये माइलेज कितना देती है। माइलेज ये समझो आप ये दे देती है आराम से 50-40 का। 50-40 का तो मतलब इसने इसका कंपटीशन स्प्लेंडर के साथ चल रहा है क्या भाई? सही सही बताओ आप, ये दे देती है मतलब 8-10 पहुंच जाती है। 8-10 तो भाई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो भाई इस हिसाब से बहुत ज्यादा, अगर कोई एक नॉर्मल बंदा अगर इसको अफोर्ड करना चाहे तो उसके पास कितना अप्रोक्सीमेट मंथली पैसा होना चाहिए? क्या अगर आपने ये लगभग 9,000 या 10 के करीब आपने रन कर दी है? हाँ। तो आपको इसके डिस्क पैड और दोनों टायर्स कंपलसरी डलवाने पड़ेंगे जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो अभी आप कितना चला चुके हैं उस बाइक को लेने के बाद? 7000 किलोमीटर रन करा चुके हैं। बात करें अगर इसके टायर्स की तो क्या आपने चेंज करा दिए टायर्स? टायर मैंने इसके अपडेट कराए थे, जिसमें स्ट्रोक टायर आते हैं वो आते हैं इसके ट्रैक टायर, और मैंने इसमें रेसो 3 डलवा रखा है, रोसो 3 डला हुआ है भाई, चेक कर सकते हो यहाँ पे। अभी तक आपने इसको कितना रन कर दिया? मैंने लगभग 7K अभी रन कर दिया, तो अभी तो ये चलेगा। हाँ अभी चलेगा, लगभग 2-3 हज़ार और किलोमीटर चलेगा। तो भाई यहाँ पर जो बाइक खड़ी है बिल्कुल सिंगल सीटर है 10R। बात करते हैं भाई क्या इसकी इसमें काउल लगा हुआ आता है या फिर? काउल तो इसमें लगा आता है, काउल लगा आता है। सीट आपने इसकी परचेज करी है? हाँ सीट परचेज करी है, और जो रियर फुट पैक आते हैं ये भी परचेज करे हैं। रियर फुट पैक भी इसमें लगाने पड़ते हैं? ओके, तो भाई अगर इसके पिलियन की बात करें तो पिलियन पर आपने बैठाया इसको किसी को? नहीं बैठाया, नहीं है यार, जब बैठाएंगे तो बताएंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके भाई। तो लास्ट हम बस एक चीज जानना चाहेंगे कि भाई अगर हमें लीटर क्लास बाइक में स्टार्ट करना हो तो 10R बूसा में से कौन सी बाइक हमें पिक करनी चाहिए? देखो बूसा अपने आप में लेजेंड है, 10R सभी का ड्रीम है, तो वो तो आप जिसका जैसा टेस्ट होगा उसके हिसाब से आपने स्विच करेगा कि हाँ मुझे 10R। लेकिन एक बात है कि भाई अगर बात करें 10R की तो 10R लाइट वेट बाइक है कंपेयर टू बूसा। बूसा थोड़ी सी हैवी हो जाती है, हैंडल करने पे बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, और वहीं अगर 10R की बात करें तो काफ़ी स्लीप हो जाए, लाइट वेट और आराम से मतलब कहीं भी भीड़ में भी आप आराम से चला सकते हो। लेकिन अगर रिएक्शन की बात करें तो कौन ज़्यादा कैप्चर करता है? तो दोनों ही अपने आप में है। सो ये था हमारा एक ओनरशिप रिव्यू। बात करें छोटी सी आपकी, आपने क्या क्या एसेसरीज इसमें लोड करा रखी है, फटाफट से एक क्विक रिव्यू दे दो। एक अपना जो फ्रेम स्लाइडर लगा रखे एक रेस गार्ड, ठीक है, एक ये कार्बन फाइबर विंग्स, ठीक है, छोटे टिप विंग्स, ठीक है, ठीक। अपना ये अपना फोर्ड प्रोटेक्टर आ गया इसका, ठीक है, रेड ग्रिल लगाई, ठीक है, ठीक है, और इसमें इंजन कवर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ना ये एग्जॉस्ट एसी प्रोजेक्ट फुल सिस्टम टाइटेनियम, ठीक है, स्पूल्स लगे हैं भाई, ठीक, और बाकी इसमें कुछ इतना लोड कराने का कुछ होता नहीं है, बाकी ऑलरेडी सारी चीज़ें कंपनी से फिटेड ही आती हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल कुछ इस तरीके का आता है, अभी आपको की लगा के दिखाते हैं। तो भाई ये इसका सीक्वेंस है, चेक कर सकते हो कितना प्यारा सीक्वेंस है, और अभी जो लेटेस्ट वाला जो 10R आ रहा है उसमें भाई बड़ी LED डिस्प्ले कर दी है, इसमें ये वाला सिस्टम आता था। तो ये कुछ इसका ओवरऑल लुक है, और ये हमारा एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू था कावासाकी 10R का जो सदाम भाई ओन करते हैं। ब्लॉग एंड करने से पहले आपको इसका फुल सिस्टम का हम जरा साउंड सुनाने वाले हैं SC प्रोजेक्ट का, लेकिन अभी इसमें DB कलर लगा है तो DB कलर के साथ इसकी साउंड सुन लो, काफ़ी ज़्यादा लाउड है भाई।
ये था भाई कावासाकी 10R का एग्जॉस्ट नॉट SC प्रोजेक्ट का था। कैसा लगा आपको साउंड कमेंट करके जरूर बताना, और कैसा लगा ये ऑनरशिप रिव्यू, एक शॉर्ट रिव्यू था, आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय बाय।